यूजुअली जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें ऐसे लगता होगा कि 10 मिनट का वीडियो, वो भी हफ्ते में एक बार, उसमें कुछ मेहनत नहीं होगा यार, क्या मेहनत रहेगा उसमें यार, कुछ भी नहीं रहेगा। 10 मिनट का वीडियो है, वो भी घर के अंदर शूट कर रहा है या कभी ये कर रहा है वो कर रहा है। तो गाइस यूट्यूब तो आप लोगों को काफ़ी फैसिनेटिंग लगता होगा, काफ़ी इजी लगता होगा, बट अंदर की बात कुछ और ये जो आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो फिलहाल हम आज बात करने वाले हैं यूट्यूब रिलेटेड और काफ़ी सारे प्रोस एंड कॉन्स और असलियत जो है यूट्यूब के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। सो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। सो फिलहाल अभी हम आ गए हैं मेरे टेरिस पे और एक्सपोजर काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हो कि ऊपर शेड लगा हुआ है तो एक्सपोजर प्रॉपर मुझे मिल नहीं रहा है। और ये आप देख सकते हो एंटायर पहाड़ वगैरह का नज़ारा, एक मुंबई का ओवरव्यू। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक नए लोकेशन में। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं खर्चों की, खर्चे माने एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे चैनल खोलना चाहते हो कोई भी कैटेगरी में, भले वो ब्लॉगर हो, ट्रैवल ब्लॉगर हो, टेक हो, फूड हो, जो भी चीज़ हो, बेसिक खर्चे हैं जो आपके लगे हैं। जैसे कि अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो सबसे पहले आपको लगेगा अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन जब आपका लगता है उसमें भी आपका खर्चा है। फिर आप अगर सेलफोन से शूट कर रहे हो, कैमरा से शूट कर रहे हो, एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर लगेगा, जो भी है स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल तो हवा काफ़ी अच्छा चल रहा है, यहाँ पर एक कोजी माहौल है। तो मैं जिस बात में जो आप लोगों को मैं बता रहा था कि वो है खर्चा। सबसे पहला पॉइंट होता है खर्चे। खर्चे अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बेशक आप इंटरनेट लेके आप अपना वीडियो बनाइए, अपलोड कीजिए और मनोरंजन करते रहिए। उसके अलावा आप जब एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनते हैं या बिगिनिंग स्टेजेस में हैं तो आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे चीज़ें आपको लगते हैं, क्योंकि आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना है। सो डेफिनेटली आपके लिए उस चीज़ को डिलीवर करने के लिए आपको इक्विपमेंट्स आपको लगेंगे, जैसे कि लैपटॉप हो गया, हार्ड ड्राइव्स हो गए हैं, माइक हो गया, DSLR हो गया, काफ़ी सारे चीज़ें। तो बॉस खर्चे तो लगे ही हैं इस चीज़ में। उसके बाद आती है बात ट्रैवलिंग की। अगर आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हो और ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस आप डालते हो तो बॉस इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हो ईच एंड एवरीथिंग का जो पैसा जो भी है इनिशियल स्टेजेस में, मैंने अभी तक तो आप लोगों को सेल्स के बारे में मैंने बताया भी नहीं, बट इनिशियल स्टेजेस में काफ़ी सारे छोटे छोटे खर्चे हैं जो आपके पॉकेट से जाता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लोगों को लगता होगा YouTube है यानी ढेर सारा पैसा, कम मेहनत में ढेर सारा पैसा, विच इज़ नॉट ट्रू। हम कितना एफर्ट देते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो हम ही को पता है। डाउन द लाइन में आप लोगों को सब बताऊंगा। सबसे बड़ी जो चीज़ है मैं आप लोग अभी बताने जा रहा हूँ, सुनिए गौर से और वीडियो को आखिर तक देखिए। अब बात आती है एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस यानि सॉफ्टवेयर जिस पे आप पर्टिकुलरली काम करोगे, एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गए हैं और छोटे मोटे सॉफ्टवेयर जो एक यूट्यूबर यूज़ करता है अपने वीडियोस बनाने में, व्लॉग करने में, वो भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। पेमेंट करने के बाद आपको लाइसेंस के तौर पर वो एक, ताकि आप जब भी उसे यूज़ करें फेयर यूज़ में वो आए, आपके ऊपर कोई भी कॉपीराइट चार्जेस जो है कभी ना लगे। तो काफ़ी सारे छोटे मोटे खर्चे हैं भाई लोग, ऐसा नहीं है कि फ्री है।
काफ़ी सारे छोटे मोटे खर्चे लगे रहते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि यार एक वीडियो जो बन रहा है व्यूज़ देखे नहीं देखे, उसे देखे नहीं देखे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक यूट्यूबर जो है काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाता है और एक्सपेक्टेशन करता है कि व्यूअर्स जो है वो वीडियो देखे, देखने के बाद उसे अप्रिशिएट करें। एटलीस्ट वो ज़्यादा नहीं चाहता, पर जो भी मेहनत वो कर रहा है एटलीस्ट उसको तो अप्रिसिएशन मिल जाए। सो गाइज, अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो कुछ कुछ फैक्टर्स आपको दिमाग में रखना है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हो तो आप पूरी तरह अगर उस पर फोकस करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यूजुअली अगर पार्टली आप सोच रहे हो कि मैं पार्टली ये करूँगा पार्टली वो करूँगा, देन इट्स अप टू यू। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप जब शिद्दत से या पूरा फोकस करके आप अगर वो काम करते हो तो वो काफ़ी अच्छा काम आता है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि यूजुअली अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपको डेडिकेशन आपका काम में होना चाहिए, पंक्चुअल आप रहना चाहिए, पैशनेट आपको होना है, क्योंकि आपको डिलीवर करना ही है। और यूट्यूब में अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, भले वो वीक में एक हो, दो हो, महीने में दो हो, बट उसी डे उसी मंथ में आपका वीडियोस जो है वो रेगुलर इंटरवल्स में वो आना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ में काफ़ी वक्त आपको देना पड़ता है, जैसे कि आप शूटिंग के लिए जब बाहर निकलोगे, आप जब शूट कर रहे हो आपका एंटायर जो डे है वो आपको वहाँ पर देना है। जब एडिटिंग को बैठते हो, यू वोंट बिलीव गाइस, एडिटिंग को जब हम बैठते हैं, अगर हम एक ट्रैवल वीडियो बना रहे हैं तो इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 hours जस्ट टू एडिट दैट वीडियो। और जो भी हम छोटे मोटे एडिट करोगे, सेटिंग्स होते हैं वीडियो जब अपलोड करते हैं तो उसे काफ़ी सारे सेटिंग्स होते हैं, वो भी हमें ध्यान देना होता है। तो टाइम इज़ अ एकदम मस्ट फैक्टर है। आपके पास अगर फुर्सत है तो आप इस चीज़ को कीजिए। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं सबको इनकरेज कर रहा हूँ, बट विथ रियलिटी। रियलिटी क्या है ये मैं आप लोगों को सबको बता रहा हूँ। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी न्यू यूट्यूबर्स हैं जो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं उनको सबको पता है, बट मेरे जो व्यूवर्स हैं जो नहीं जानते उनको मैं बताने जा रहा हूँ। यूट्यूब अभी के स्टेज में काफ़ी कंपटीशन हो गया है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए। यू वोंट बिलीव, अगर एक न्यू चैनल बनता है तो उसे 365 डेज के अंदर 4000 आवर्स वॉच टाइम प्लस 1000 सब्सक्राइबर जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरी 365 डेज के अंदर उसे कंप्लीट करना पड़ता है। सो गाइज, एक बार आप कैलकुलेशन कीजिए, 4000 आवर्स मीन 60 मिनट इनटू 4000, तो आपको एक रेशो पता चल जाएगा कि कितना कड़ी मेहनत करना पड़ता है जस्ट टू अर्न दैट मोनेटाइजेशन स्लॉट। अर्निंग्स जो है आपका आना शुरू हो उसके लिए हमें ये चीज़ करना पड़ता है, और इसके पीछे काफ़ी हद तक मेहनत लगता है, क्योंकि आप लोग तो हो कि कभी कभी वीडियोस प्रॉपर देखते ही नहीं हो, अगर देख भी लिया तो सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें हो जाता है। तो प्लीज़ यार, कोई भी वीडियो है भले आप उसे ओपन कीजिए, एक मिनट देखिए, लाइक कीजिए, एक अच्छा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि जो क्रिएटर है उसका भी मूड जो है मोटिवेट रहे, वो भी वीडियोज़ बनाता रहे, उसका भी भला हो, थोड़ा सा आप लोगों का भी भला हो। सो गाइज, आजकल एक प्रॉब्लम बहुत ही देखने में आ रहा है कि जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो यूट्यूब को देखकर फैसिनेट हो जाते हैं और अपनी स्टडीज़ वगैरह छोड़कर यूट्यूब कर रहे हैं, यूट्यूब में जो वीडियोस कॉन्स्टेंटली अपलोड कर रहे हैं उस वजह से वो अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अल्टीमेटली रिज़ल्ट जो है बहुत ही उनका बुरा आ रहा है। सो इन केस में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स लोग हैं, उनको मेल जाता है उनके पेरेंट्स की तरफ से कि आपको देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो भी उन्हें लगता है कि यूट्यूबर बनना चाहते हैं और YouTube कर रहे हैं और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। तो उन जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग ऐसे काम कर रहे हैं, उनको मेरा एक सिंपल सा एक मैसेज है कि देखिए, पढ़ाई जो है वो हमेशा फर्स्ट में आता है, क्योंकि हम भी सब अपने पढ़ाई करने के बावजूद ही आज इस फील्ड में हम आए हैं। अलग अलग जितने भी यूट्यूबर्स हैं आप लोग उन्हें देखोगे कि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अपने करिकुलम स्टडीज़ जो होते हैं वो प्रॉपरली पूरा करने के बाद ही YouTube में उतरे हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी, मैं एक MBA ग्रेजुएट हूँ, मार्केटिंग में मैंने MBA किया है, उसके बावजूद भी मैं YouTube कर रहा हूँ, तो मैंने अपना स्टडीज़ कंप्लीट किया है और मैं YouTube अभी कर रहा हूँ। तो उन सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने स्टडीज़ पे पहले ध्यान दीजिए, एक पोजिशन पे आ जाइए। YouTube तो है ही, आप कर सकते हो, आज नहीं तो कल आप कर ही सकते हो, तो पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके साथ ही साथ अगर आपको लगे YouTube करना है तो आप YouTube कीजिए।
करियर को खराब मत कीजिए यूट्यूब के चक्कर में, ठीक है। ये मेरा आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन है, तो प्लीज अपने भाई का सजेशन को यार ध्यान दो, थोड़ा सा रखो। सो गाइज, ये जो इन्फॉर्मेशन देने का मेरा एक ही मकसद है कि यूजुअली जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उन्हें ऐसे लगता होगा कि 10 मिनट का वीडियो, वो भी हफ्ते में एक बार, उसमें कुछ मेहनत नहीं होगा यार, क्या मेहनत रहेगा उसमें यार, कुछ भी नहीं रहेगा। 10 मिनट का वीडियो है, वो भी घर के अंदर शूट कर रहा है या कभी ये कर रहा है वो कर रहा है, बट ट्रस्ट मी गाइज, वो 10 मिनट का वीडियो शूट करने में भी आप देख सकते हो कि मैं पोजिशन चेंज कर रहा हूँ, चेंज करके एवरी टाइम जो है हमको वीडियोज़ जो है उसमें एक डिफरेंट जो है हमें लाना पड़ता है। थॉट प्रोसेस को हमेशा जगा के रखना होता है कि हम न्यू क्या कर सके, कहाँ पर शूट कर सके, हमारे पास खुद का जो है बजट क्या है उस वीडियो पे बनाने के पीछे, तो ये सब चीज़ हमें सोचना पड़ता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ, एक यूट्यूबर का जो दर्द है मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो गाइज़, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब भी वीडियो देखें भले एक मिनट के लिए देखिए, एक लाइक कर दीजिए, एक हल्का सा एक कमेंट कर दीजिए, ताकि जो क्रिएटर है वो भी मोटिवेट रहे और आप लोगों को भी है वो जो वीडियोस जो डालता रहे वो काफ़ी अच्छा कंटेंट आप लोगों को देता रहे। सो गाइज, मैंने अपना काम कर दिया है, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन, लाइक का बटन है आप लोग पहले से दबा दीजिए यार, ताकि वीडियो जो है आगे रैंकिंग हो और भी लोग देखें। पहले से लाइक कर दो यार, तो आप भावना में बह जाओगे, फिर आप भूल जाओगे लाइक करना, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आज हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब आज करके ही जाना है, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे भी आप दबा दीजिए, उसी के पास में एक बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो ऑन दैट नोट, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंडसेटर रणबीर। We'll be right back.